खाकी वर्दी वालों का मनमाना रोब मानो एक आम सी बात हो गई है। जब तब पुलिस कर्मियों की धौंस की खबरें अखबारों व टीवी चैनलों की सुर्खियां बनती रहती हैं। इसी कड़ी में आज सुबह रामबन के निकट बन रही नाशरी टनल के पास एक एम्बुलेंस ड्राइवर को पुलिस द्वारा इतनी बुरी तरह से पीटा गया कि उसे अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। जानकारी के अनुसार जिला अस्पताल रामबन में तैनात उक्त एम्बुलेंस ड्राइवर तिलकराज जम्मू में कुछ मरीजों को राजकीय मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में भर्ती करवाने के बाद रामबन लौट रहा था कि नाशरी के पास गांधरबल पुलिस थाने के पुलिसकर्मियों ने उनकी खराब पड़ी गाड़ी को मरम्मत के लिए किसी वर्कशॉप तक ले जाने के लिए टो करने को कहा, परंतु तिलक राज ने ऐसा करने से मना कर दिया, जिस पर वो पुलिसकर्मी भड़क गए और उसे बुरी तरह पीटने लगे। एम्बुलेंस ड्राइवर को इतना पीटा गया कि उसे जिला अस्पताल पहुंचाना पड़ा। के बाद मैंने 12 रिपोर्टर पहले कर दिए हैं, तो मुझे जानता नहीं मैं क्या कर सकता हूँ। मैंने उनके पाँव पर भी पड़ा, कोई मुझे मारो नहीं, मुझे मारने से क्या बनेगा। आप गाड़ी भी खींच रहे हो, जो ही मैं बात करता वो थप्पड़ मारा, अगर मैं दर्द से कराता था तो भी वो थप्पड़ मार देता था। उसमें एक जैसे आपको जैकेट लगा ऐसे रंग का जैकेट उस लड़के को, वो बीच में बचा लेता था मुझे। ये एक टांग फ्रैक्चर हो गई है, इस घुटने में बड़ा जख्म है, ये पूरी पीठ में सबसे ज्यादा है सर, ये अंगूठा तोड़ दिया, पीठ से पूरी पीठ का बहुत पीठ में सबसे ज्यादा। घटना के बाद दोषी पुलिस कर्मियों को हिरासत में लेकर पुलिस थाना चंद्रकोट में बंदी बनाया गया। एएसपी रामबन मुश्ताक चौधरी ने पुलिस के इस कृत्य को शर्मनाक करार दिया और कहा कि जो कोई भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जो इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस है दैट इज सेट अप, उसमें काम स्टार्ट हो चुका हुआ है और इस मारपीट में जख्मी भी हैं, एक पुलिस एहलकार भी जख्मी है और एक एम्बुलेंस ड्राइवर जख्मी है, और दोनों जो ये पुलिस वाले हैं ये हमारे ज़िले से ताल्लुक नहीं रखते, ये कहीं बाहर से मुलजम ले जाने के लिए जा रहे थे आलवे और ये हादसा हुआ है, और इसमें जो तह जाता जो है वो कार्रवाई अमल में लाई जा रही है और आफ्टर इन्वेस्टिगेशन वी विल बी एबल टू टेल यू कि कहाँ क्या हुआ था। ब्यूरो रिपोर्ट, अली टाइम्स।